भारत गांवों में बसता है। भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसने भोग जैसे मसलों को अन्न देकर सुलझाया। भारत ने इतिहास से ही हर बड़ी समस्या का समाधान किया। भारत ने ही अरब लोगों को 9 डिजिट मैथमेटिक्स सिस्टम से अवगत करवाया। सोचने की बात है, अगर भारत दुनिया को शून्य ना देता तो क्या कंप्यूटर जैसा ह्यूमन बनना संभव होता। इसी प्रकार एल्डरली केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल जैसे मुद्दे पर भी भारत वो सूरज बनेगा जिसमें बदलाव की किरणें निकलेंगी। हाँ, एल्डरली केयर यानी बुजुर्गों की देखभाल समाज में एक गंभीर समस्या के रूप में पनपता नजर आ रहा है। भारत वो देश है जो अपनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कारों और परंपराओं के लिए जाना जाता है, जहाँ नदियों को माता जैसा आदर और पत्थरों को भी पूजा जाता है। उसी देश में बुजुर्गों के साथ ऐसी दुर्दशा, क्यों पारिवारिक रिश्तों में कड़वाहट आने लगी, क्यों बच्चे बुलाते में अपने माँ बाप का साथ छोड़ने लगे। हालांकि ये भारत वो देश है जहाँ श्रवण कुमार जैसे संस्कारी बेटों ने जन्म लिया और बूढ़े माँ बाप की सेवा कर असल मायने में सेवा क्या होती है इसका उदाहरण। ऐसे काफी उदाहरण है, फिर भी ऐसा बुजुर्गों की ऐसी क्या अपेक्षाएं होती जो हम पूरा नहीं करते। इसी सवालों को ढूंढने के लिए हमारी टीम ने बुजुर्गों के साथ बात की। तो अब हम तो ये कहेंगे कि बच्चों पीछे नहीं आया है, देख रहे हैं काम ज्यादा, बच्चा नाच गया तो नाच गया तो बीमार है, अचानक हमें कहीं जाना है तो अपना नहीं चाहता हूँ। मेरे बच्चे क्या बोलते बोलते तक मैं चाहता हूँ कि मैं उनके साथ रल मिलकर उनके टाइम के अनुसार मैं सेट हो जाऊँ। मैं खुद सेट होना चाहता हूँ कि जैसे मेरा बच्चा चाहे मैं वैसे करूँ, मतलब अच्छे काम। जब हम पेड़ लगाकर उसे सौत तक सींचते हैं और उम्मीद करते हैं कि समय आने पर वो हमें छाया देगा, फल देगा, तो क्या वो उम्मीद गलत है? या फिर किसान दिन रात मेहनत करता है, अपनी फसलों को उगाता है और उम्मीद करता है कि फसल पक जाने के बाद उसके घर का चूल्हा जलेगा, तो क्या वो उम्मीद गलत है? इसी प्रकार माँ बाप सारी उम्र अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं, उनकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाओं को दबाते हैं और फिर बुढ़ापे के समय में अपने बच्चों से उम्मीद करते हैं, तो क्या वो उम्मीद गलत है? इसका जवाब नौजवान से अच्छा कौन दे सकेगा? इसी को समझते हुए हमारी टीम ने नौजवानों की राय लेना उचित समझा। खुद करेंगे जो जिसकी असुविधा होगी उसकी सुविधा पूरी करेंगे, ठीक है जी। और टाइम पर समय पर खाना पीना, दवा दारू, कहीं पे आना ले जाना, तीर्थ यात्रा, हर चीज़ की सुविधा है, ये चीज होगी। और किसी की कमी होगी तो उसकी पूरी करेंगे। जो भी विचार होते हैं दूसरे को बताएं, और चुप रहने से या गुस्सा करने से नहीं होता ना, बताना चाहिए कि तुमको क्या कमी लग रही है। माँ बाप को भी बताना चाहिए कि भाई हमारे को ये प्रॉब्लम है। आज की नौजवान पीढ़ी इस बात से भली भांति अवगत है कि बुजुर्गों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा समय, इमोशनल अटैचमेंट, मैरिकल फैसिलिटी, रिस्पेक्ट, लव, केयर, अफेक्शन एंड प्रोटेक्शन, दिस इज ऑल व्हाट दे वांट। लेकिन इस भाग दौड़ में बच्चों का इतना करना भी मुश्किल है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं। ऐसे में ये अनुमान लगाना कि वो बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते, ये तो गलत है। इस समस्या का समाधान उन दोनों पक्षों की बातचीत को सुनकर और उनकी आपस में बातचीत करवाकर ही होगा, क्योंकि इस समस्या की जड़ कम्युनिकेशन गैप है। जैसे बच्चे का ख्याल रखते हैं ऐसे ही उस बहुत गलतियां करेंगे, लेकिन इन गलतियों पर हमें नाराज होने का, गुस्सा करने का कोई हक नहीं बनता है। ऐसा ना हो इसलिए माता पिता को अपने बच्चों की परिस्थितियों को समझना होगा। बच्चों को अपने माँ बाप की जरूरतों कुछ खास नहीं, बस बातचीत करनी होगी, परेशानियों को समझना होगा, ऐसी छोटी छोटी सी चीजें ही कुछ
खाल परिवार बना।